किसी इलाके को सबसे बड़ा कोई तोहफा दे सकती है वो ये एम्स है। एम्स के साथ अब जैसे जिनको थोड़ा कोई तो ये समझता है कि सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का ही इसमें वो होगा, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का इंसान की सारी जरूरतों की बात करें तो सब का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, क्योंकि रेल आएगी तो रेल जोर रेवाड़ी में भी नहीं रुकेगी, वो यहाँ पे आएगा। मेट्रो रेवाड़ी में बाद में आएगी, पहले ही आएगी। एयरपोर्ट की बात होगी और जगह बाद में आएगी, पहले ही आएगी। नहरी पानी है वो सब आएगा, लाइट की व्यवस्था, और उसके बाद रोजगार। हमारे जो भी ये 10-15 गांव है, अगर किसी ने 5 भैंस भी पाल ली ना वो भी, चाहे किसी घर में साधन नहीं है, कोई जगह मतलब ये इतनी बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि स्वास्थ्य बड़ी तो कोई चीज नहीं। अब इंसान को यदि इतनी बड़ी सुविधा और चंद 5-10 मिनट की दूरी पे मिल जाए तो सही बात है जी, नहीं तो चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं की मेहरबानी है, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पूरा गाँव तक क्या हो जाए। नड्डा ने भी ये कहा कि ये जब भी आप साहब आवाज 3 की बात आ गई, अदरवाइज हमारा आने का ज्यादा हिसाब नहीं बढ़ता, आप लोग खुद ही हमें, क्योंकि सब ये जागरूक हैं, भाई हमें तो राव साहब की ताकत वहाँ दिखानी ही दिखानी है, तभी लगेगा हाँ भाई हमारे भी हमारे इलाके को कुछ मिला है। तो 16 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, तो उस टाइम राव साहब का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपना गाँव से सब लेडीज जेंट्स जवान बालक सब निकल भाई 9:30 बजे हाँ 9:30 बजे अपने हॉस्पिटल में इकट्ठा हो जाओ, वहीं से हम पैदल चलेंगे, क्योंकि आगे आगे जाने तो देंगे नहीं, पैदल वहाँ पे वहाँ तक भी आप बस स्टैंड से पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ पे अपने, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि प्रोग्राम 11 बजे के करीब से शुरू हो जाएगा और फिर इतनी भीड़ हो जाएगी कि वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं। आज तो हम सोच रहे हैं कि 10:30 बजे अपनी कुर्सियाँ रोक रख कर बैठ जाओ। तो यही था कि इतना ज्यादा ही ज्यादा हम वहाँ पे जा सके, कोशिश करो उस दिन अपने छोटी छाटी लेके, एक दिन की बात है, लेकिन ये हमारे इलाके की मान और सम्मान की बात है, राव साहब का मान बढ़ाने की बात है, मोदी जी को ये लगे।